चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 और देख लेते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमें प्रूफ करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, सरकमस्क्राइबिंग अ सर्किल, जो किसी सर्किल को सरकमस्क्राइबिंग कर रही है यानी कि उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है सर्किल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये कह रहे हैं कि जो उसकी जो साइड्स है, अपोजिट साइड्स है, वो क्या कर रही है, उसके सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है। कौन कर रही है सबटेंड? अपोजिट साइड्स। ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है ए ओ बी प्लस, यानी कि ये आपका ए ओ आ गया, आपका ओ सेंटर, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, इन दोनों का सम 180 है, या फिर आप प्रूफ कर दो कि ए ओ डी प्लस बी ओ सी, इन दोनों का सम 180 है। इन दोनों में से हम कोई भी कंडीशन प्रूफ कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि जो टेंजेंट्स होते हैं, जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर ड्रॉ किए जाते हैं, वो इक्वल तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो इक्वल एंगल भी सबटेंड करते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। तो अगर हम इनको इसका नेमिंग कर दें, क्या कर दें, नेमिंग नेमिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, काय की नेमिंग करी है हमने एंगल्स की, एस ओ ए, ए ओ पी, एस ओ ए क्या है, एंगल 1 है, ए ओ पी एंगल 2 है, पी ओ बी एंगल 3 है, बी ओ क्यू 4 है, ठीक है, सी ओ क्यू 5 है, सी ओ आर 6 है, इस तरीके से हमने सबकी नेमिंग कर दी है। अब देखिए, अब अगर हम ये, हमने आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में हमने एक थ्योरम प्रूफ करी थी कि दो ट्राइंगल लिए थे कंग्रुएंस, और हमने फिर प्रूफ किया था कि जो इसके सीपीसीटी से इसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे हैं, एंगल ऑफ इक्वल टेंजेंट के हैं। ठीक है, इसके आगे लिख सकते हैं द टू टेंजेंट, क्या करते हैं, टेंजेंट, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या करते हैं वो, एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट टू आर सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, कैसा एंगल सबटेंड करते हैं, ये सबटेंड इक्वल एंगल। तो यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, इक्वल टेंजेंट के, एएस और एपी, ये इक्वल टेंजेंट हैं। इसी तरीके से पीबी और बीक्यू, ये भी इक्वल टेंजेंट हैं, इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 4 के होगा, और बीक्यू क्यू क्यू सी और आर सी आर, ये भी इक्वल टेंजेंट है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 के होगा, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 के होगा, सभी में हम ये पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो ये सारे एंगल क्या बना रहा है, एक 360 का एंगल बना रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सबको हमने प्लस किया तो ये आया आपका 360। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 हमने ले लिया। अब हमने क्या किया कि एंगल 1 की जगह तो एंगल 1 लिखा ही लिखा, एंगल 2 की जगह भी हमने 1 लिख लिया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। फिर हमने क्या करा, थ्री एंगल 3 की जगह भी हमने 4 लिख लिया, और एंगल 4 को भी 4 लिख लिया। ठीक है, एंगल 5 की जगह 5 लिखा, और एंगल 6 को भी हमने 5 लिख लिया, और एंगल 7 को 7 ही रहने दिया, और एंगल 8 को भी हमने एंगल 7 कर दिया, और इसको हमने 360 रहने दिया। ठीक है, अब आप देखिए, ये हो गया 2 एंगल 1, ये हो गया 2 एंगल 4, ये हो गया 2 एंगल 5, ये हो गया 2 एंगल 7, 2 कॉमन ले लिया, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7
इज इक्वल टू 360 आ गया आपका, ठीक है। तो आप 2 से यहाँ कट कर दिया आपने, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 180 आ गया आपका। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, ये आ गया आपका 180। अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 7 क्या है आपका, एंगल डी ए ओ डी, इसकी जगह 1 और 7 की जगह आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी, प्लस एंगल 4 और 5 आपका हो गया बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। आप देखेंगे कि पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में आप ऐसे करना है आपको कि 2 और 1 की जगह 2 लेना है और 2 की जगह भी 2 ही लेना है, ठीक है। मतलब वहां पे चेंज कर देना, यहाँ पे 2 लेना आप और दूसरे वाले में आप क्या करना, ये वाले और 2 और 3 और 6 और 8 ये लेना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर दोगे, और अगर आप इतना भी कर दोगे तब भी ये आपका सही है, ओके। इसी तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ओके। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।